मुझे इस पे आपके साइन चाहिए। इसमें लिखा है कि आप और मैं म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले रहे हैं। डिवोर्स? ये कागज तो सिर्फ अदालत के लिए है। आपका और मेरा तलाक तो तभी हो गया था जब आपने अपनी जिंदगी में किसी और को जगह दी थी। लीजिए, साइन करिए। ये मेरी तरफ से आपको और श्रुति को तोहफा, आपकी आजादी। आजादी? जिसे आजादी कह रही हो वो मेरे लिए उम्र कैद है, लेकिन तुम कहां समझोगी? लीजिए विराट सर, आपकी बीवी और बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। लीजिए विराट सर, साइन कीजिए। अजीब किस्मत है मेरी, ना शादी मर्जी से हुई ना तलाक। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है आपकी मन मर्जी की वजह से ही तो हो रहा है। विराट सर प्लीज साइन कीजिए। मुझे जल्दी है, आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, वरना ये पेपर अच्छी तरीके से पढ़कर इन पे साइन कर दीजिए। तुम्हें डिवोर्स की इतनी जल्दी क्यों है? वाहिनी जो कह रही है उन पेपर्स पर साइन कर दीजिए ना दादा। विराट चवान। मोहित, बस ये क्या तरीका है? अपने बड़े भाई को नाम से बुलाते हैं। कहाँ का भाई ताई? हमने तो तय कर लिया है, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बाबा प्लीज, आप प्लीज साइन कीजिए। विराट साहब ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो कर दूंगा। सही नहीं, हम सब चाहते हैं तुमसे हमारा कोई भी रिश्ता ना रहे। आज आप सब चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं, लेकिन कल आप सब ही मुझे वापस आने के लिए जिद करेंगे और तब मैं वापस नहीं आऊंगा। रिश्ता तोड़ना अच्छा नहीं होता है, कभी सही नहीं होता है, लेकिन जिस रिश्ते में कदर और भरोसा ना हो उसे बनाए रखने का भी क्या फायदा। विराट सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज साइन कर दीजिए। एहसान समझकर ही कर दीजिए। ठीक है, कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे बाद अपनी जिंदगी में अहमियत देते वक्त मुझे सबसे पीछे रखा और रिश्ता तोड़ने का वक्त आया तो मेरे पीछे खड़े होना चाहते हैं। जैसा तुम समझना चाहो। समझने में ही तो देरी कर दी। ऐसा तुम्हें लगता है? मुझे एकदम सही लगता है। मैंने आपको अपना समझा और आपने अपने को ही पराया कर दिया। वो अपने जो मुझ पर भरोसा नहीं करते। आप भरोसे के लायक ही नहीं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि पहले साइन मैं करूं, तो ठीक है, मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। एक बार फिर से सोच लो, तुम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हो, फिर से एक हो जाओ। कागज पे ना तो रिश्ते बनते हैं और ना ही टूट सकते हैं। मत तोड़ो ये रिश्ता। काकू, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है ना, तो सिर्फ लाश रह जाती है, और लाश को बचाते नहीं है, चलाते हैं। आप हमारे इस मरे हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आज इस रिश्ते का अंतिम संस्कार है। को लग रहा होगा इतनी जल्दबाजी में मैं ये डिवोर्स अपने लिए ले रही हूँ, लेकिन जल्दी ही आपको पता चल जाएगा मैंने ये क्यों किया। सही हो गया है, अब मैं चलती हूँ। सही, इस इंसान को जिस काम के लिए बुलाया था वो काम हो गया है ना। मैं जानता हूं मेरा यहाँ रहना आप सबको बुरा लग रहा है। बात ऐसे कर रहा है जैसे हमारी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल है इसे। चलता हूं बाबा। विराट चवान, जाने से पहले बस एक बात सुनकर जाना। बहनी के साथ रिश्ता आपने तोड़ा है, हमने नहीं। ये कल भी मेरी बहनी थी, आज भी मेरी बहनी और हमेशा मेरी बहनी रहेंगी। इनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, ये बात हमेशा याद रखना। मोहित, पप्पा बस। अपना ख्याल रखना है। तुम भी सही। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है। रह जाती है बस कुछ उनकी यादें, और बच जाते गुम है किसी के प्यार में।